अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मैं रुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये है मूंग दाल का हलवा। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इसकी रेसिपी शेयर करिए, तो मैं लेकर आई हूँ दिल्ली की शादियों वाला बिल्कुल ज़बरदस्त सा हलवा लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंग दाल पूरी रात पानी में अच्छी तरीके से धोने के बाद भिगा दी थी, और इसके दाने देखिए कितने मोटे मोटे हो गए। ओवरनाइट भीगी हुई थी ये दाल। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देंगे और उसके बाद पीठी बना लेंगे, यानी इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना दाल में, बिना पानी के इसको इसी तरीके से पेस्ट बना लेना है, क्योंकि वो पूरी रात सोख हुआ है पानी में, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है। इसलिए अच्छे से निचोड़ के इसका पेस्ट बना लेना है विदाउट वाटर डाले। अब मैंने इसमें 120 ml जितना वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे मिक्स करके ऑयल में रख देंगे, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। ये देखिए आधे घंटे तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ बड़ी कढ़ाई ली है, मेरी मॉम बना रही हैं तो ये बड़ी कढ़ाई ली है। उसके बाद हम इसके अंदर पूरी पीठी डाल देंगे, जो दाल की पीठी थी उसे डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के, अभी 200 ml फिर से मेरी मॉम ने डाला है इसके अंदर। टोटल हमने धीरे धीरे करके 750 ml जितना इसमें ऑयल डाला है। एक साथ मत डालिए आप लोग, जब हलवा चिपकने लगे फिर उसमें 200 ml डालिए। ऐसे कर करके डालेंगे तो बहुत मज़े से भून भी जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। आपको कंटिन्यूसली इसको चलाना है, रोकना नहीं हाथ, वरना नीचे लग जाएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लम्स बन जाएगा। तो आप लगातार चलाती रहिए। ये देखिए दाल का रंग जो है कितना चेंज हो गया है पहले के हिसाब से, अब कितना चेंज हो गया। अभी हमें इसे और भूनना है और थोड़ा डार्क ब्राउन रंग में लेकर आना है, क्योंकि अभी ये कच्चा है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से रंग बिल्कुल बदल गया है, ब्राउन हो गया है। अब हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया है। 550 ग्राम हमने इसके अंदर चीनी डाली है। शीरा वाला नहीं बना रहे हैं हम लोग, बिल्कुल प्रॉपर दिल्ली की शादी वाला बना रहे हैं, तो हमने इसके अंदर डायरेक्ट चीनी डाली है 550 ग्राम। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है चीनी को भी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 200 ml दूध, जिसका कच्चापन रहेगा ना दाल का, वो भी दूध की हेल्प से बिल्कुल पक जाएगा, और उसका टेस्ट इतना यम्मी होता है जब आप दूध डालेंगे, और जब खुशबू आएगी ना हलवे की, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। शबे बारात स्पेशल है, ज़रूर ट्राई कीजिए। कल 200 ml फिर से दूध डाला है, टोटल हमने 400 ml दूध इसके अंदर डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत एहतियात के साथ बनाना है, दूध डालने पर थोड़ा सा हलवा ऊपर आ जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से भून रहा है ये, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है ये माशाल्लाह। उसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम जितना मावा लिया, खोया लिया है, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, बाकी सारा इसी टाइम पे ही हम डाल देंगे। ये देखिए दूध डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से पका लिया था, जब हमें लगा हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है तब हमने इसके अंदर खोया डाला है, और फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब मुंह में खोया आता है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त सा फ्लेवर आता है, मुंह में धमाका होता है, इतना मस्त हलवा बनता है ये। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर मेवा डाल देंगे। मेरे घर में ज़्यादा नहीं पसंद, आप लोगों के घर में ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, तो मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, मतलब मेरी मॉम डाल रही हैं। किशमिश डाला है, कटे हुए काजू डाले हैं, ये कटा हुआ बादाम डाला है। क्वारंटीन की वजह से हम लोग ड्राई फ्रूट नहीं ला पाए, इसके अंदर पिस्ता भी डलता है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर डालिए। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए भी बचा लिया है मिक्स करके। अब हम इसको गैस ऑफ करके डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा मूंग दाल का हलवा दिल्ली की शादियों वाला बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, अपने घर पर बनाइए, फ़ोटो मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं अपनी स्टोरी पे हाईलाइट करूँगी। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लीजिए।